ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी पियू? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सुना तुमने? कितनी सफाई के साथ तुमने कह दिया कि सब कुछ ठीक है, स्कूल में सबने तुम्हारी मम्मी को बहुत पसंद किया। कौन है तुम्हारी मम्मी? सुनिधि। कितनी सफाई के साथ तुम झूठ बोल लेती हो, यही सिखा दिया तुमने स्कूल में? देखिए कोई बात नहीं, इसे गलती का एहसास हो गया है, आइंदा नहीं करेगी। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? इसे देखकर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसे अपने किए पर थोड़ा सा भी पछतावा है। अच्छा देखिए, मेरी गलती है, मैं ही शायद वो विश्वास इसके दिल में जगह नहीं पाई कि ये मुझे अपनी मम्मी बोल सके, और इसीलिए स्कूल ले जाने में मुझे अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। सच में शायद इसे तुम पर विश्वास नहीं है, और इससे भी बड़ी दुख की बात तो ये है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय तुम इसकी गलतियों पे पर्दा डाल रही थी। यहां तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर तुम इसकी सारी गलतियां अपने सर ले रही थी। तुम्हें जरा सा भी एहसास है अपनी इमेज का कि बच्चे तुम्हें अपनी मां कहने में शर्माते हैं, उन्हें शर्म आती है तुम्हें अपनी मां कहने में, और इसकी वजह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास? तुम्हें थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पर? कब आएगा कॉन्फिडेंस? जब लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम मेरी पत्नी हो या नहीं। अपनी प्रतिभा, ये आंसू बहा के तुम अपनी कमजोरी और अपनी गलतियां मत छुपाओ। अगर सही वक्त पर सुनी दिया, अगर मुझे सब कुछ सही सही नहीं बता देती तो तुम मां बेटी तो ऐसे ही निकल जाती। देखिए मैं मानती हूं मेरी गलती है, लेकिन ये सब मैंने इसलिए किया था कि पीहू सबके सामने शर्मिंदा ना हो। ठीक है, दैट्स इट, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। पीहू, तुम कल प्रतिभा को लेकर अपने स्कूल जाओगी और प्रिंसिपल को जाकर सब कुछ सच सच बताओगी कि प्रतिभा तुम्हारी मां है और सुनी ही नहीं, और मुझे इस बात की जरा सी भी फिक्र नहीं कि तुम्हें बुरा लगे या शर्म आए। मैं चाहता हूं कि तुम जाके प्रिंसिपल को सब कुछ सच सच बता दो, समझी? दैट्स इट।